जिससे आज हम बात करेंगे कि अगर दो मेट्रिसेस आपस में इक्वल हों तो उसमें अगर अननोन हो तो उनकी वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये सेकंड मैट्रिक्स से इक्वल है और यहाँ पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया जी। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस हम बात करते हैं जी कि मैट्रिक्स तब इक्वल होते हैं जब उनकी क्रॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हों। यानी अगर हम इनकी पोजिशन देखें तो दिस इज एट A11, A12 और ये A21, A22। तो A11 वाला जो है वो मैट्रिक्स जो उसके इक्वल मैट्रिक्स है उसकी A11 के इक्वल होगा। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं कि इफ इफ बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल, यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे इफ बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल देन, ये आप स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे देन स्क्वेयर रूट 5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 5 और इसी तरह से एंड सेकेंड एलिमेंट जो है वो सेकेंड के इक्वल हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 5 वाई इक्वल स्क्वेयर रूट ऑफ 5। अब दोनों साइड्स पे हम यहाँ पे जो है वो डिवाइड करा देते हैं जी स्क्वेयर रूट ऑफ 5 से, इधर भी स्क्वेयर रूट ऑफ 5 से डिवाइड कराया, इधर भी हमने स्क्वेयर रूट ऑफ 5 से डिवाइड करा दिया और इसी तरह से यहाँ पे भी हमने स्क्वेयर रूट ऑफ 5 से डिवाइड कराया और यहाँ पे भी हमने स्क्वेयर रूट ऑफ 5 से डिवाइड करा दिया। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वन टाइम हो जाएगा और इसी तरह ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वन टाइम हो जाएगा। तो एक्स इक्वल्स वन, एक्स इक्वल्स वन एंड एंड वाई इक्वल्स वन, तो ये हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर है।